हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने तीन कलर के रिबन से ड्रेस बनाई है, ग्रीन, ऑरेंज और वाइट। ये मैंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ये ड्रेस बनाई है। ये ड्रेस 4 नंबर के गोपाल जी की है। इस ड्रेस में मैंने ओपन चोली बनाई है, जिसमें मैंने सेंटर में वाइट रिबन के दोनों तरफ में दोनों रिबन सिलाई मशीन से सिलाई करके नीचे की तरफ मैंने ऑरेंज कलर के रिबन से इसमें दोनों चोली के पार्ट को सिल दिया। इस तरह मैंने ये चोली बनाई है। इस तरह हम अपने कान्हा जी को ये पहना लेंगे। इस तरह हमारी ये ड्रेस बनती है। वैसे बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम टैट्रोन का पीस लेते हैं। ये टैट्रोन का पीस मैंने 8 इंच का लिया है। सेंटर में मैंने इसे 1.5 इंच का राउंड काटा है, जहाँ हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। साइड में से मैंने इसे कट कर लिया है। अब इस टैट्रोन के पीस के ऊपर मैं दोनों तरफ ऑरेंज कलर का सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लेती हूँ। इसलिए मैंने अपने टैट्रोन पे दोनों तरफ ऑरेंज कलर का कपड़ा पेस्ट कर लिया है। इसके आगे एक तरफ मैंने सिल्वर कलर के टिश्यू रिबन से सिलाई कर ली है। इसके चारों तरफ भी मैंने एक एक सिलाई लगा ली, जिससे हमारा कपड़ा ना निकले। ये ड्रेस बनाने के लिए हम 3 कलर के रिबन काम में लेते हैं, ग्रीन कलर का, वाइट और ऑरेंज कलर का। इन सभी रिबनों में इस तरह से हम प्लेट्स डाल लेते हैं। और इसे सिलाई मशीन से नीचे की तरफ से मैं एक तरफ से सिलाई कर लेती हूँ। तो सभी तीनों रिबनों में मैं प्लेट्स डाल लेती हूँ। इससे हमने तीनों रिबनों में प्लेट्स डाल ली। अब हम अपना घेरा लेते हैं। घेरे में चाहे तो हम ग्लू गन से लगा सकते हैं या सिलाई मशीन से। आज हम सिलाई मशीन से लगाएंगे। तो जो हमारा एक तरफ का खुला हुआ हिस्सा है, उस हिस्से से हम चौक से तिरछा निशान लगाते हैं। इस तरह से इस तरह तिरछा निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑरेंज कलर की फ्रिल्स लगाते हैं। तो ऑरेंज कलर के फ्रिल्स को हम इस तरह से लगाएंगे। सिलाई मशीन से मैं यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक इसको ले आऊँगी। तो यहाँ पे हम इस पीस को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद तो मैं यहाँ पे इस पीस को कट कर लेती हूँ। इस तरह मैं इस पीस को कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद एक प्लेट की हम सिलाई खोल लेते हैं। इस तरह मैंने एक अपनी प्लेट खोल ली है। अब हम यहाँ इस कोने से सिलाई शुरू करेंगे और लास्ट तक लेके आएंगे। और जो हमने पत्ती खोली है, उस पत्ती को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, इस तरह, जिससे हमारा ये खुला हुआ हिस्सा अंदर पूरी तरह से दब जाएगा और ये इसके धागे बाहर नहीं निकलेंगे। या फिर हम इस मुँह को सिक्योर भी कर सकते हैं। इस तरह इस मुँह को सिक्योर भी कर लेते हैं हम, और फिर इसे अंदर इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह हम ये सिलाई कर लाते हैं। तो मैं इसके सिलाई कर लाती हूँ। इस तरह हमने ऑरेंज कलर की एक लाइन लगा ली। तो मैंने वाइट कलर के धागे से लगाई है, तो ये किनारे किनारे हमको लगानी है। इस तरह से हमारी ये लग जाती है। अब हम वाइट कलर की इस तरह की पट्टी काट लेते हैं, नाप के हम। ये मैंने नाप के पट्टी काट ली। तो इस पट्टी को मैं इस तरह से सिलूंगी। नीचे की तरफ से तो हम बिल्कुल पास मिलेंगे इसके, नीचे की तरफ से तो हम बिल्कुल पास मिलेंगे, और ऊपर की तरफ धीरे धीरे आते हुए हम धीरे धीरे इस तरह चौड़ा करते लाएंगे। तो ये हमारा हाफ सर्कल सा बन जाता है। तो अब मैं इस वाइट वाले को भी लगा लेती हूँ। इसी तरह से नीचे से तो बिल्कुल पास में लेना है हमको, और ऊपर से धीरे धीरे हमें दूर करते हुए लेके आना है। तो इस तरह मैं इसकी भी सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह मैंने वाइट कलर की लाइन भी लगा ली है। इस तरह से नीचे की तरफ हम बिल्कुल पास में लेते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा दूर करते हुए आते हैं। अब इसके बाद हम ग्रीन कलर की लाइन लगाएंगे। ग्रीन कलर की लाइन भी हम शुरू तो बिल्कुल पास से करेंगे, और ऊपर लाते लाते हम इसे दूर तक ले आएंगे। तो इस तरह मैं ये तीसरी लाइन भी लगा लेती हूँ। इस तरह हमने अपनी तीसरी रो भी लगा ली है। पहले ऑरेंज की लगाई थी, फिर वाइट की, फिर ग्रीन की।
अब हम वापस से एक रो वाइट की लगाते हैं, इस तरह वाइट की रो लगाएंगे हम, इस तरह राउंड करते हैं। वाइट की रो लगाने के बाद वापस से फिर हम ऑरेंज की रो लगाएंगे, फिर ग्रीन की, इस तरह मैं पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती हूँ। और आगे की तरफ हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इन्हें सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह ये पूरी सिलाई मेरे को कर लाती हूँ मैं चारों तरफ सिल के। इस तरह मैंने सभी जगह रिबन लगा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे जोड़ के ऊपर इस तरह से रिबन आ गया, तो ये दूसरी साइड में लगाने से ये रिबन इस तरह से जोड़ हमारा ढक जाता है। तो इस तरह हमारी ये पूरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। यहाँ इधर की तरफ मैं सभी को हिस्से को मोड़ते हुए सिलाई कर देती हूँ। इससे पूरी हो गई है। अब हम अपनी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैं तीनों साइज़ के रिबन ले लेती हूँ, सॉरी तीनों कलर के रिबन ले लेती हूँ। ये रिबन मैंने 10 इंच के लिए, 10 इंच के रिबन लिए मैंने। अब तीनों रिबनों में वाइट वाला रिबन है उसको सेंटर में रखते हैं, और ऑरेंज रिबन को इस तरह इधर फोल्ड करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। इसी तरह इस ग्रीन वाले को बढ़ा लेते हैं, और इसकी मैं दोनों तरफ से सिलाई कर लेती हूँ। तो ये लगभग हमको 1.25 इंच के करीब चाहिए रहता है, तो हम इसकी सिलाई करके 1.25 इंच के करीब इसे बना लेते हैं। इस तरह मैंने वाइट रिबन के दोनों तरफ ग्रीन और ऑरेंज रिबन लगा लिए, दोनों पट्टियाँ तैयार कर लिए। अब हम बीच में ग्रीन तरफ से इस तरह जोड़ देंगे सिलाई मशीन से ऑरेंज को, जिसे हम ओपन चोली रख लेते हैं, और ऑरेंज को इधर से जोड़ लेंगे अगर हमको बंद चोली रखनी होगी, नहीं तो हम इसे आगे से जोड़ के नीचे रिबन लगा लेंगे जिससे हमारी ओपन चोली हो जाती है। इस तरह हम अपनी चोली को बना लेते हैं। अब हम अपना घेरा लेते हैं। तो घेरे में मैं उल्टी तरफ से यहाँ पे इधर से रिबन लगाती हूँ, इस तरह मैं यहाँ पे सिलाई मशीन से ऑरेंज कलर का रिबन लगा देती हूँ, और फिर इसे ऊपर यहाँ लाके इधर बंद कर देती हूँ। तो ये हमारी खुला घेरा बन जाएगा। इस तरह मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने इसके यहाँ पे ऑरेंज कलर के रिबन से इस तरह से मैंने इसे बंद कर लिया। तो ये हमारा यहाँ पे सभी रिबन इसमें दब जाते हैं, जिससे हमारे धागे निकलने का डर नहीं रहता है। हम अपनी चोली को भी नीचे से मैंने रिबन से इस तरह से सिलाई कर ली है, तो हमारी ओपन चोली बन गई है। इसको हम इस तरह से अपने कान्हा जी को इस तरह फोल्ड करके पीछे से फिर हम इसको इस तरह बांध देंगे, इस तरह हमारे कान्हा जी को ये हम पहना लेते हैं चोली। तो इस तरह हमारी ये ड्रेस बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching my video.